हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको शेषा आयुर्वेदिक मेडिकल शैम्पू के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये शैम्पू आपके बालों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप अपने बालों के झड़ने से परेशान है, बालों को हेल्थी और जड़ों से मजबूत बनाना चाहते हैं, बालों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं शेषा आयुर्वेदिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू के बारे में। ये शैम्पू गाइस आपके बालों के झड़ने को नेचुरली तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है और आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाने का काम करेगा। इंग्रीडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके बालों को कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि आपके बालों को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो देख लेते हैं गाइस कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रीडिएंट प्रेजेंट है जो कि आपके बालों की समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। इसके अंदर गाइस भृंगराज है और भी काफी सारे इंग्रीडिएंट है जो कि बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, बालों को स्वस्थ और हेल्थी बनाए रखने में मदद करते हैं। और भृंगराज, आंवला, शीकाकाई जो कि गाइस आपके बालों को काला भी बनाते हैं, जड़ों से मजबूत बनाते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। यूज करने का तरीका, तो गाइस अपन को बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ये शैम्पू लेना है और बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करते हुए आप इसे अप्लाई करें। अगर आप नियमित रूप से इसे इस्तेमाल में लेते हैं, कम से कम आपको 2-3 महीने तक इसे इस्तेमाल में लेना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप इसे इसी तरीके से इस्तेमाल में लेंगे तो आपकी जो समस्या है बालों की वो पूरी तरीके से दूर होगी। और वैसे भी गाइस ये काफी जाना माना शैम्पू भी है और इसके काफी सारे बेनिफिट भी हो चुके हैं और आपके बालों को चमकदार बनाने में भी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, सिल्की स्मूथ और बाउंसी बनाने में मदद करेगा। और गाइस ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, किसी भी हेयर टोन वाले इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके अंदर कम से कम 17 से अधिक प्रकार के इंग्रेडिएंट हैं हर्बल, जैसे कि भृंगराज, वाचा, यास्ती मधु, अकलकारा, रसूत, त्रिफला, मेहंदी, नीम, करंज, तगार, नीली इलायची, शुद्ध धतूरा और भी गाइस बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों की समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। इसका प्राइस है 166 रुपए, जिसे गाइस आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, इस कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। काफी ज्यादा अच्छा है गाइस, आपके बालों के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन इसे इस्तेमाल में लेने के बाद आपके बाल और भी ज्यादा झड़ रहे हो तो उसी टाइम गाइस आप इसे इस्तेमाल में लेना बंद कर दें, डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अन्य प्रकार की कोई जानकारी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।